नीट पेपर लीक मामलार सुनानी सुप्रीम कोर्ट कहिले जदि स्वच्छतारे सेपरी कोनसी आंच आसी थाए तेबे हेबो रीटेस्ट किछि परीक्षार्थी चाहिबा मुताबक होई पारिबो नाही परीक्षा। सुप्रीम कोर्टे सुनानी बेले रीटेस्ट प्रस्ताव को विरोध करथिला एनटीए एहा सह सेपरी कोनसी अनियमितता होई नाही बोली एनटीए दर्शाइथिला। सुप्रीम कोर्टे आजि 40 रो अधिक मामलार 31 सुनानी होईछि। नीट मामला को गंभीर कहते प्रधान विचारपति सेपटे नीट पेपर लीक मामलें 4 डाक्तरी छात्र गिरफ होती पटना एम्स 4 डाक्तरी छात्र को गिरफ कर सीबीआई। गिरफ 3/2021 बैचर मेडिकल छात्र होता बेले आउ जड़े द्वितीय वर्ष छात्र बोली जमापड़ी। सीबीआई से 3 डाक्तर रूम सिल करदेस से लैपटप और मोबाइल जबत कर तदंतकारी संस्था पेपर लीक र तदंतकारी सल्वर्स ग्यांग पाखरे पहुंचा जाइथबा बेले सुराग पाई एही 4 जन को बांधी डाक्तर को जेरा करबा लागि सेमानकु निज सांगरे नै जाइछि सीबीआई। गिरफ्तारी नहीं हुआ है, एक्चुअली गिरफ्तारी नहीं हुआ है, लेकिन मैं मेरा जो इन्फॉर्मेशन है और जो घटना घटा है इसमें एक्चुअली स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट को सीबीआई टीम आके लेके गए हैं। हमें पता नहीं ये गिरफ्त किए हैं कि ऐसे लेके गए हैं इंटरोगेशन के लिए। कल हम एक राउंड ले रहे थे हॉस्टल का, हॉस्टल स्टूडेंट मेस मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, उस समय हमारे साथ हमारा डीन एकेडमिक डॉक्टर प्रेम कुमार थे, हमारा ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी डॉक्टर अनिल कुमार थे और स्टूडेंट्स भी सब थे। और राउंड के टाइम में सीबीआई टीम आए, एक स्टूडेंट को उसी समय जो राउंड हम चल रहा था एक स्टूडेंट को वो लेके गए। उसके बाद शाम को फिर सीबीआई टीम आए और 2 स्टूडेंट को लेके गए। उसके बाद इन्होंने बोला कि टोटल 4 स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट जो उसी समय हॉस्टल में था नहीं वो इनको स्टूडेंट जाके खुद इनको रिपोर्ट किया। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है टोटल 4 स्टूडेंट का सीबीआई हिफाजत में है। ये सब पहले उनका जो वरिष्ठ अधिकारी एक हमें इन्फॉर्मेशन दिए थे, स्टूडेंट जितने सब इन्वॉल्व हुए हैं ये नीट सीबीआई इस काम में उनका फोटो के साथ उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर ये सब उनसे आया था हमारा व्हाट्सएप में। तो इनको जितने मदद की ज़रूरत था हमारे तरफ से हम कोऑपरेट किए हैं और कोऑपरेट करते रहेंगे। स्टूडेंट अब उधर उनके पास है, अभी तक आए नहीं हैं, इसलिए हमें भी पता नहीं है कि स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट क्या है, स्टूडेंट की मैंने कैसे इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और स्टूडेंट सचमुच दोषी हैं कि नहीं ये भी हमें मालूम नहीं है। कल सीबीआई टीम एक्चुअली हमारा संपर्क में थे और कल इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया कि उनका सब रूम को सील किया जाए, उनका जो रूम का जो लॉक है इसको उनके ऊपर उनका छापा लगा है। सीबीआई 3 कमरा को उनका सील किए हैं और हमारे तरफ से एक स्टूडेंट का जो कमरा है रूम इसको हम सील किए हैं। जैसे हमने बताया कि टेलीग्राम चैनल पर पेपर आ चुका था सुबह 5 बजे 5th of May 2024 और वही पेपर जो स्टूडेंट्स के हाथ में आया 2 बजे एग्ज़ाम देने के लिए, और अगर एक पेपर पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया पे घूम रहा है सुबह के टाइम पे और जो स्टूडेंट्स के कुछ स्टूडेंट्स के हाथ में है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि एक पेपर सोशल मीडिया पर है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, लोकलाइज है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप पे एक कोई मैसेज आता है या पेपर आता है तो वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स कैन बी वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, सो इट्स नॉट ए लोकलाइज केस, ये लोकलाइज नहीं है और एग्जाम को रिकंडक्ट करना ही सोल्यूशन है। अधिक आलोचना करिबा दिल्ली रिपोर्टर लिपिका महंत आम सहित जोड़ी होती। लिपिका आगुरु मध्य एनटीए कथा आपण जदि मन पकेबे से समय एनटीए मध्ये कहिथला कोनोसे अनियमितता होइना ही परीक्षा रे रिटेस्ट न करा जाउ। एबे मध्य सुप्रीम कोर्ट कहउचंती कि स्वच्छता जदि किछि गड़बड़ी होइना ही काहे के रिटेस्ट करा जिवो, किछि परीक्षार्थी चाहिले एहा हबो नै। पूरा अपडेट कोन होइ छै नै निश्चित भाव गायत्री देखो बर्तमान जदि देखिए पुणी थे लंच ब्रेक पर शुणा आरंभ हो जाए मैटर रे एवं डीवाई जो चीफ जस्टिस रही डीवाई चंद्रचूड़ यार अध्यक्षता करनिजिया खंडपीठ आउ दुज जस्टिस जदि कथ कह जस्टिस मनोज मिश्र और जे बी पारदेवला रही बर्तमान ये मैटर टी पुणी थे से शुणा आरंभ कर पूर्व जोबले जो आलोचना चली समय जदि देखिए जो जो भाव
एसजी पक्षर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहटा पक्षर सीबीआई रो सेकेंड स्टेटस रिपोर्ट दाखल करवर्त समय सुप्रीमकोर्ट यह जो पिटिशनर रही कही कि कंक्रीट तथ्य प्रमाण आप दिंतु जमी सब्यस्त हो पार कि जो अनियमितता बड़ मात्रा होती जहाद्वारा रिनिट करोर्ट एभली भाव जो पिटिशनर रही कही तेज सब बड़ कथा हूँ गायत्री बर्तमान पर्यटन जो भाई भाव यह मामला टी देखिए प्रथम एनडीए पक्ष मना कर कौन अनियमितता हो ना परवर्त समय से मानी नहीं कि जदि एबंधी देखिए एनडीए एवं केन्द्र सरकार पक्षर रिनिट न सपक्ष में नहांती किंतु सुप्रीमकोर्ट सीधा सड़ख चेतनी कि जदि दरकार पड़े यही मैटर तुरंत शुणाणी करटर को सी आज शुणुंट हुए तो यही मैटर आज जदि सुप्रीमकोर्ट किसी बड़ राय आसीपे आज यहाँ किसी गोटे बड़ राय आसीपे जहाँ आम आशा करूँ यह सांगे जदि देखिए जो भाई भाव बर्तमान मैटर कोर्टे चली सुप्रीमकोर्ट आभिमुख्य यहाँ कड़ा रही तेज बर्तमान पर्यटन सीबीआई रो जांच रे जदि देखिए 40 जदि 25 रो 25 टी राज्य रो 42 जन को वर्तमान पर्यंत गिरफ्त करा जाय छी जो भली भाबे किछि समय पूर्व रो आपण मध्ये आलोचना करू थी ले कि 4 जन डॉक्टरी स्टूडेंट को मध्ये यहा कुनी कि गिरफ्त करा जाय छी ए लिपिक जो 4 डॉक्टरी स्टूडेंट कर इन्वॉल्वमेंट कोन रहै छी ए घटना रे देखु गायत्री वर्तमान पर्यंत जहाँ तथ्य एवं जहाँ इनफॉरमेशन रोचे कि वर्तमान पर्यंत जो 4 डाक्तरी स्टूडेंट रही सीबीआई पक्षर गिरफ्त कर वर्तमान पर्यंत कौन चार्जेस लगोच सीबीआई से नहीं कौन स्पष्ट ना कि वर्तमान पर्यंत जो अनियमितता होतीर इनवल्वमेंट रही आम कहीपर कि सांगे सब बड़ कथा हो कि सुप्रीमकोर्टे मैटर वर्तमान चली शुणी कोर्ट मध्ये चाहूँगी किसी कंक्रीट तथ्य प्रमाण दिया जाओ जहाँ द्वारा कोर्ट मध्ये डिसीजन सुनाई पारे एवं यह सांगे जदि सी यह आभिमुख्य पोषण कर जो तथ्य प्रमाण में एभली एक प्रदर्शित कराऊ कि बड़ मात्र होास्ट जहाद्वारा पुणी थे रिनिट कराऊ कि पुणी थे एग्जाम कराऊ से नहीं तथ्य प्रमाण वर्तमान सुप्रीम कोर्ट कर अपेक्षा रही अंपक्ष देखिए एनडीए पक्षर कह केवल मात्र कि जो कोचिंग सेंटर रही से सीमित रही कौन सोशल मीडिया एभली जो टेलीग्राम कथा कहतु कि अगर जो सोशल मीडिया रही जो नीट पेपर लिक मेमला होता कथा आगुरी आसूला से ताइना बोली कहुची एक जो एग्जाम्पल जदि देखिए बर्तमान केन्द्र सरकार पक्षर आईआईटी मद्रास रो जो डाटा रही डाटा एनालिस्ट रही केन्द्र करके पक्षर दाबी करा जाउची कि बहुमात्रा होना सोशल मीडिया रे पेपर लीक होना किंतु यह पूर्व जदि एग्जाम्पल देखिए एनडीए स्टार्टिंग ही मना करूला नीट प्रश्नपत्र मामलें कौन लीक होना कि परवर्त समय मानी कि लीक हो तेज से बड़ कथा हो तेबे वर्तमान पर्यंत सीबीआई रो जो भाई भाव 42 जन को गिरफ्त करा जाइछि एवं यहाँ सांगे जदि देखिए 40 टी पाखापाखी मैटर जो रही पिटिशन वर्तमान सुप्रीमकोर्ट रे जो ताकि वर्तमान सुप्रीमकोर्ट शुणाणी करुछन्ति तेबे देखिबा को रहिबो सुप्रीमकोर्ट को कौन राय रहुछि एवं आज किछि गोटे निर्णय सुप्रीमकोर्ट नै पारन्ति।